रामकोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाइक सवार मार्ग दुर्घटना में घायल हो गया। जानकारी के अनुसार सीतापुर हरदोई मार्ग पर रामकोट थाने के समीप नहर पुलिया पर अज्ञात वाहन से टक्कर में राजेंद्र प्रसाद, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष है, पुत्र बाबूराम निवासी गुफापुरवा थाना मिश्रिक, गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि मिश्रिक बीडीओ की गाड़ी का ड्राइवर मिश्रिक से सीतापुर की तरफ जा रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया व दाहिना हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया। सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल इलाज हेतु भेज दिया। पुलिस वाहन की जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर जनपद आजमगढ़ से है, जहां लालगंज तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव अमौरा में प्रधानपति मनीष राय को पुरानी रंजिश के चलते दुर्दांत अपराधियों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जिस प्रकार से इस हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है, उसे लेकर आसपास के ग्रामीण इलाकों में खौफ का माहौल व्याप्त है। वहीं मीडिया कवरेज के दौरान यह बात देखने और सुनने को मिली कि पूरा अमौरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील दिखाई दिया। यदि बात पीड़ित परिवार की करें तो पूरा परिवार सरकार और जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते रोते बिलखते नजर आया। बताते चले कि प्रशासन की मौजूदगी में आरोपी पक्ष के आलीशान मकान को ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया गया, जिसके दौरान इस कार्रवाई को मीडिया कवर कर देने से रोक दिया गया, जिसके दरमियान आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक ने मीडिया कर्मियों से दुर्व्यवहार भी किया, लेकिन बावजूद इसके प्रेस की टीम वहीं पर अड़ी रही। देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं केसी मिश्रा और आप देख रहे हैं R9 भारत। जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये जनपद आजमगढ़ के अंतर्गत आने वाला गांव अमौरा, और कल एक बहुत ही भयावह घटना यहां पर देखने को मिली है, जिससे पूरे इलाके में सनसनीखेज खबर ये फैली हुई है, पूरा इलाका दहल उठा है। ये खबर ऐसी कि एक प्रधानपति जो काफ़ी चर्चित चेहरे हुआ करते थे क्षेत्र के, मनीष राय, इसके पहले भी वो हमारे चैनल को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और मनीष राय जी की कल एक खौफनाक हालत में हत्या हुई है। एक ऐसी जगह उन्हें मौत के घाट उतारा गया है कि जिसका खुलासा करने में अभी जिले का पूरा प्रशासन लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रामीणों में कितना आक्रोश है और बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। ये ग्रामीण बहुत ही दुखी हैं उनके ख़त्म हो जाने से, उनकी हत्या जो हुई है इससे बहुत आहत हैं, बहुत ही दर्दनाक मौत उनको, अब कोई शब्द नहीं है, निशब्द है। यहाँ का समाज कोई कुछ कहने से बाज आ रहा है, अपने आप को दूर रख रहा है, और हर कोई मौन और मूक साधे हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बेखौफ अपराधियों ने जिस वारदात को अंजाम दिया है, उसका कब तक खुलासा पुलिस करती है। बताते चलें कि इसके पहले भी, एक वर्ष पहले, मनीष राय जी जो प्रधानपति थे, जिनकी कल हत्या हुई है, उनके चाचा जी की हत्या एक वर्ष पहले हुई थी, जिसका खुलासा वो कराने में लगे हुए थे। प्रशासन से लगातार वो गुहार लगा रहे थे कि उन अपराधियों पर कार्रवाई हो, जो आरोपी अभियुक्त बनाए गए हैं उन पर कार्रवाई हो, लेकिन अभी तक ये प्रशासन की ढिलाई कही जाएगी कि उन पर कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा ये कि कल उन्हें भी वही वारदात का शिकार होना पड़ा जो मंजर उनके चाचा के साथ हुआ था। मैडम कुछ कहिए हमारे चैनल्स पे, कुछ कहिए, हम आपके सहयोग के लिए। सर क्या 2.5 साल के बीच में दो ऐसा हो गया, क्या हुआ हम लोग के साथ? कुछ भी तो नहीं हो रहा है, और इस बार अगर कुछ नहीं होगा हम लोग पूरा परिवार लेके बैठ जाएंगे मुख्यमंत्री के पास और वही आत्मदाह कर देंगे। 2.5 साल में दो हमारे घर का सब कुछ खत्म हो गया है। कल घटना के पहले उनसे बात किसी की हुई थी? नहीं, घर में किसी की बात नहीं हुई थी? नहीं। कहाँ हैं, कैसे हैं? नहीं हुई थी। कहाँ के लिए निकले थे? ब्लॉक पे गए थे, फिर वहाँ से इधर आए मोड़ पे ये घटना हुई। ब्लॉक से घर की तरफ आ रहे थे? हाँ, रुके थे यहाँ तो वही ये तनिक भी अंदेशा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा नहीं, हो सकता है? नहीं, तभी निकले ना, अगर थोड़ा भी रहा होता तो निकले थोड़ी होते गाड़ी में से। क्या इसके पहले घर डर के साए में जीने को मजबूर था? हाँ। 2.5 साल से क्या 200 साल से सब लोग सब चल रहा है, हाँ। तो क्या होगा, कुछ भरोसा नहीं है आप लोगों के यहाँ? और उनके साथ तो कई बार ऐसा हो गया, उनको साथ तो कई बार रोड पे उनको छेका गया, बाजार में उनको छेका गया, कई बार उनका रोड ब्लॉक किया गया, लेकिन भगवान के दया से बच गया। लेकिन इस बार उन्होंने बहुत गलत किया, और इस बार हम लोगों को अगर जान कुछ नहीं पाए, पीछे से सवार किए निकले थे उस समय वो बाहर। किसी पे अंदेशा है आपको? प्रशासन में अभियुक्तों का नामजद हुआ है मामला?
पिछली बार भी वही की थी, इस बार भी वही की है। वो तो हम लोग के सामने ही किए थे पहली बार, वही सब है। नहीं बस उसी से और किसी से नहीं है, कुछ नहीं है, सब उनसे ही है, चाहे चुनावी रंजीश हो या कुछ भी हो। क्या उसका नाम है? नाम नहीं पता। नहीं उसके लड़के सबके कृष्णा था, कृष्णा था और वो क्या उसका नाम है, दीपक नाम है। जेल से इधर नहीं, वो पहले का आया है, तो पहले का कृष्णा आया है, वो बेचू गया है 3 महीने से। हाँ तो आप लोगों ने प्रशासन के आला अधिकारियों से जब आप लोगों की बात हुई, आप लोगों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा कि हमारे साथ ऐसा हुआ, अब इस पे कार्यवाही की मांग जब कर रहे हैं, तो उन लोगों के द्वारा क्या तथ्य सामने आए, क्या उन लोगों ने कहा? कुछ नहीं। कप्तान हो या सीओ हो या यहाँ के थाना प्रभारी हो, क्या अभी तक ये कुछ हुआ ही नहीं तो क्या हुआ? खाली तारीख पड़ रही है, गनर मांगा तो मिला ही नहीं, 8 महीने से बिना गनर के थे। जी गनर मांगा गया तो 8 महीने से बिना गनर के थे, जब जान रहा है प्रशासन भी जान रहा है कि उनको जान के लिए खतरा है तो गनर देना चाहिए ना। कितनी जगह गुहार लगाया गया, कितना हाथ पैर मारा गया, कितनी कोशिश की गई लेकिन नहीं मिला। ये प्रशासन का दोष है कि हम लोगों का दोष है? हम लोग तो अपने जान में जान बचाने की कोशिश किए ना। कैमरामैन अबुशाद के साथ वीडियो जर्नलिस्ट केसी मिश्रा, R9 भारत, आजमगढ़। हमीरपुर जिले में सर्दी का कहर देखने को मिल रहा है। कोहरा और शीतलहर के कारण मौसम में ठिठुरन बढ़ गई है, जिससे जब जीवन अस्त व्यस्त हो गया। कोहरे का सीधा प्रभाव यातायात पर पड़ा, सड़क मार्ग पर वाहनों की गति धीमी रही। जिले में बढ़ती ठंड के साथ अब धुंध की चादर गहरी होती जा रही है। तापमान में गिरावट के साथ ही धुंध कोहरे की चादर के बीच दिन बीत रहा। कोहरे के बढ़ते प्रकोप से किसानों की भी चिंता बढ़ने लगी है। घने कोहरे से खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है, तो वहीं ठंड से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली। बता दें कि यूपी के हमीरपुर जिले में पिछले एक सप्ताह से पड़ रहे कोहरे ने मुसीबत खड़ी कर दी है। एक तरफ यातायात प्रभावित हो रहा है तो दूसरी तरफ खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। बढ़ती ठंड से अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के लोगों को ठंड से बचाव के लिए निर्देश दे रहे हैं। हाईवे पर वाहनों की गति काफी धीमी हो गई। कोहरे की वजह से सड़क हादसे की भी संभावना है। कोहरे से आलू, चना, मटर आदि उपज पर भी नुकसान पहुंचने का डर सताने लगा है। सरकारी व निजी अस्पतालों के ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। एक हफ्ते में मौसम के बदले मिजाज के कारण मौसम शुष्क भी हो गया, इसका असर लोगों की सेहत पर पड़ने लगा। अस्पतालों की ओपीडी में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ती दिखी। जिला अस्पताल की ओपीडी सामान्य दिनों से काफी मरीज दोगुने बढ़ गए। सर्दी के मौसम को देखते हुए जिला अस्पताल में वार्ड में हीटरों की व्यवस्था की गई है और मरीजों को आवश्यकता अनुसार कम्बल भी दिए जा रहे हैं। और ये एडवाइस की जा रही है कि बाहर निकलने से पहले पूरे कपड़े पहन के निकले। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दबंग बदमाशों के हौसले बुलंद, दहशत फैलाने के नियत से दबंगों ने दुकानदार के ऊपर किए फायरिंग। कोतवाली से 10 मीटर की दूरी पर दबंगों ने 2 राउंड किए फायर। दबंगों के फायर से बाजार में अफरा तफरी का माहौल, दबंगों में नहीं है पुलिस का खौफ। आपको बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र घूमना का मामला। न्यू मियां निवासी मस्जिद दरोगा महबूब जान थाना कोतवाली रामपुर के दिनांक 18 जनवरी 2021 को सीने में दर्द की शिकायत हुई तो परिवार वाले जिला चिकित्सालय रामपुर ले गए, जहां पर रैपिड एंटीजन कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया तो जिला चिकित्सालय में TMU हॉस्पिटल मुरादाबाद रेफर कर दिया गया, जहां आज उनका 19 जनवरी 2021 को RT-PCR कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई और रिपोर्ट नेगेटिव आते ही हॉस्पिटल ने बताया कि उनकी मृत्यु हो गई। अब परिवार वाले उनकी डेड बॉडी की मांग कर रहे हैं और हॉस्पिटल वाले डेड बॉडी नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि बॉडी सील कर देंगे, जब मरीज को कोरोना था ही नहीं तो बॉडी क्यों सील की जाएगी। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष नरगिस खान आज जिला अधिकारी रामपुर से मिलने पहुंची, लेकिन जिला अधिकारी से मुलाकात नहीं हो सकी। उसके बाद नरगिस खान TMU मुरादाबाद को रवाना हो गयी। बॉडी में तो क्या चीज निकाल ली हो और पता है, क्योंकि हमने तो देखा नहीं है उनको परसों से। अब हमारी डिमांड ये है कि हमें बॉडी सील नहीं चाहिए, ऐसी बॉडी दें, हम जो है अपने जो हमारे धर्म के आधार पर हम उनको वैसी उनको गौसल देने के बाद फिर दफन करें। और वो कह रहा है कि उनको जो है एम्बुलेंस में जाने वाले एक शख्स हैं नूर मियां, उनको कुछ सीने में प्रॉब्लम हुई, सीने में दर्द उठा परसों रात करीब 10 बजे, तो उनके परिवार वाले उनको ज़िला अस्पताल ले गए, लेकिन वहाँ कोविड-19 का टेस्ट हुआ। जब कोविड-19 का टेस्ट हुआ तो उन्होंने डाउट में जो है उन्हें कोरोना पॉजिटिव रख दिया कर दिया गया। फिर उन्होंने जो है TMU रेफ़र कर दिया गया।
जब वहाँ गए तो वहाँ पर भी कोविड 19 का टेस्ट हुआ, तो वहाँ रिपोर्ट निगेटिव आई। लेकिन रिपोर्ट के आने से पहले जो नूर मियाँ थे उनकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन अब हॉस्पिटल वालों का कहना है कि हम बॉडी को नहीं देंगे, बॉडी को सीज करके देंगे। मैं हॉस्पिटल वालों से पूछना चाहती हूँ कि जब रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो फिर आप बॉडी को सीज करके क्यों देंगे? परिवार वाले धक्के खा रहे हैंगे, उन्हें बॉडी नहीं दे रहे हैं वो। इसीलिए हम यहाँ डीएम साहब के यहाँ आए थे उनसे बात करने के लिए कि वो हमारी हेल्प करें, लेकिन यहाँ डीएम साहब नहीं मिले हमें। लेकिन अब हम मुरादाबाद के लिए जा रहे हैंगे और उन लोगों से ये कहेंगे कि जब रिपोर्ट नेगेटिव है तो आप कोरोना पॉजिटिव कैसे कह सकते हैं इनको, और हमें बॉडी सीज नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या उनका ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाए कोविड की वजह से? जब उन्हें कोविड था ही नहीं तो फिर कोविड का ट्रीटमेंट ही क्या होगा? जैसे ही वो गएंगे तो उनकी डेथ हो चुकी थी, रिपोर्ट आने तक का टाइम नहीं मिला कि जब तक उनकी रिपोर्ट आती जब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। R9 भारत के लिए गुलबेज खान की रिपोर्ट, मुरादाबाद। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है फर्रुखाबाद से। आपको बता दें कि ट्रक व गैस टैंकर दोनों की आपस में भिड़त, दोनों की जोरदार भिड़त से दोनों की केबिन हुई क्षतिग्रस्त, ट्रक ड्राइवर को आई गंभीर चोट, ट्रक ड्राइवर को CSC में कराया गया भर्ती। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र का मामला है। UP के फर्रुखाबाद जिले की नगर पालिका परिषद की बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हालत में खड़ी हुई है। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। नगर पालिका के कर्मचारी व विभागीय कर्मचारी उसी बिल्डिंग के बने कमरों में काम करने को मजबूर हैं, जिन कमरों की छतों का सीमेंट टूट टूट कर नीचे गिर जाता है, जिससे कि कर्मचारी काम करने में डरते रहते और डरे सहमे कर्मचारी चुपचाप प्रशासन की आश्वासन के ऊपर निर्भर रहकर कार्य करते रहते हैं। जब वहां मौजूद काम कर रहे कर्मचारियों से बात की गई तो कर्मचारियों ने कहा कि बिल्डिंग काफी जर्जर में खड़ी हुई है, कभी भी यह बिल्डिंग ध्वस्त हो सकती है। कई बार जिलाधिकारी एवं SDM साहब ने इस बिल्डिंग का निरीक्षण किया और आश्वासन देकर चले गए। कर्मचारियों ने कहा कि पूर्व EO रश्मि भारती के कहने पर अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन नतीजा जीरो रहा। रश्मि भारती ने तो अपना ऑफिस बहुत अच्छा करके बनवा लिया, लेकिन कर्मचारी की सुध नहीं ली गई। आज भी वर्तमान में रविंद्र कुमार अधिशासी अधिकारी शोरूम जैसे बने ऑफिस में बैठते हैं, लेकिन कर्मचारी की किसी ने कोई चिंता नहीं दिखाई है। जब अधिशासी अधिकारी रविंद्र कुमार जी से बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने इस पर बात करने से साफ साफ इनकार कर दिया और गाड़ी में बैठकर चले गए। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद की बिल्डिंग अंग्रेजों के जमाने यानी कि 1868 में स्थापित हुई थी। उसके बाद इस बिल्डिंग को नगर पालिका को दे दी गई। उस दिन से आज का दिन है कि इस बिल्डिंग की मरम्मत तक नहीं हुई है और न ही किसी अधिकारी ने अभी तक इस तरफ ध्यान दिया है। और आपको बता दें कि फर्रुखाबाद के चेयरमैन मनोज अग्रवाल एक पंचवर्षीय और दो पंचवर्षीय उनकी पत्नी वत्सला अग्रवाल चेयरमैन, लेकिन चेयरमैन भी ध्यान नहीं दिया। जो कर्मचारी है वो मौत के साए में जीने को मजबूर है। आश्वासन देकर उनसे बराबर काम करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन इस नगर पालिका कर्मचारियों को किसी और बिल्डिंग में क्यों नहीं शिफ्ट कर रहा या बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय प्रताप सिंह है। ये कहाँ काम करते हैं आप? हम यहाँ पे कर विभाग में लिपिक के पद पर काम करते हैं। सर ये जर्जर ये बिल्डिंग कब बनी थी आपको मालूम है? 1868 बाहर होर्डिंग उनका लगा हुआ है पत्थर संगमरमर का, तो उसी को देख के हम लोग अंदाज लगा लेते हैं 1868 में ही बनी है। तो यहाँ बनवाई तो ये बिल्डिंग बहुत स्थिति इसकी खराब है, कभी भी इसमें कुछ भी हादसा हो सकता है। आप लोग जान हथेली पे रख के काम करते हैं, खास तौर से बारिश में बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। अगर हम लोग अंदर बैठे होंगे तो जाहिर सी बात है हम सभी लोग दब जाएंगे और हम लोग काल के गाल में समा जाएंगे। बाद में जो है सभी जिम्मेदार अपना सोचेंगे विचारेंगे। तो यहाँ पर EO और नगर पालिका जो है आपके यहाँ पर कई बार हो चुकी है, वो तो कुछ सुध नहीं ले रहे हैं। साहिबा ने अभी पिछले 15 अगस्त में घोषणा की थी, कार्यक्रम जब हाल में चल रहा था, कि कर्मचारियों के हित में हमने इस बिल्डिंग को बनवाने के लिए आर्किटेक्ट से नक्शा बनवा लिया, जल्द ही बिल्डिंग आपकी बनवाई जाएगी, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया। कई बार DM ने भी निरीक्षण किया तो? हाँ, DM साहब ने भी निरीक्षण किया, SDM साहब भी निरीक्षण करते रहते हैं और जितने भी अधिकारी आते हैं निरीक्षण करते देखते हैं, लेकिन बिल्डिंग अभी तक बनना प्रारंभ नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत भय रहता है बारिश में कहीं। अभी एक हादसा हुआ था आपका जहां पर शमशान घाट में एक छज्जा गिर गया था जी, तो इस हादसे से कहीं ना कहीं और आपके अंदर डर बैठ गया होगा। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए थे सभी जिलाधिकारियों को कि जितनी भी बिल्डिंग है सरकारी जर्जर हालत में है उनका निरीक्षण करके दें ताकि उनको बनवाया जा सके। पता नहीं इसमें सर क्या हुआ कि हमें लोगों को तो कुछ जानकारी है नहीं अभी तक इसके बारे में। भाई ये बिल्डिंग जो नगर पालिका परिषद की बिल्डिंग कब बनी हुई थी? 1868 में। अच्छा, ये किस हालत में इस समय अवस्था में है? अवस्था तो अच्छी नहीं है, देख ही रहे हो।
नहीं, किस हालत में, मतलब कि क्या हालात है आज, इसकी हालात क्या है? जर्जर स्थिति में है। और इसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो उसी जर्जर बिल्डिंग में काम करने को मजबूर है। तो इस तक अभी तक अधिकारियों ने क्या, अभी तक कोई, बहुत से यू आए हैं, बहुत से डीएम साहब आए हुए हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने अधिकारियों ने इस तरफ जो बिल्डिंग की तरफ है कभी कोई कार्य कराने की सूद नहीं ली गई। नहीं नहीं, आश्वासन मिलता है और अब की बार तो शायद नापाप हो गई है इसकी। अच्छा, अभी जो यू दावा आए हैं उनका प्रयास है कि जल्दी बन जाए। अच्छा, लेकिन जो आपको जो अभी बरसातें आ रही हैं जल्दी, तो उसमें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बरसात में दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं इनको विभाग को, पूरे नगर पालिका परिषद कर्मचारियों को कहीं ना कहीं दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट करना चाहिए था ना। अब जब बनेगी तो शिफ्ट करा जाएगा। अभी नहीं किया गया। नहीं किया। क्या नाम है आपका? R9 भारत के लिए दीपक शुक्ला की रिपोर्ट, फरुखाबाद।